कुसुमे स्कूल जाओ बे खटाए तेरो अभी स्कूल में परोंगा ना मैं अच्छा आईया के दादी इया कोनी ने इतने स्कूल में बुलाई है कोई कहानी कोई चुटकुला सुनानो है अच्छा आईया के फिर तो मैं गणी आजी सी हूं फिर तो चुटकुला और कहानी मन गणी आवे मैं तो सुना दियो तब तो बराबर स्कूल उड़ जा प्रोग्राम है तो अच्छा आई आगे फिर तो बटाया प्रसाद और बंट सी हाँ पहला गुरु काम कर लियो फिर फटाफट जाऊं बटे स्कूल तो जावे तेरे बेक किन्ने है बेक तो लेके कौन जाना स्कूल में प्रोग्राम है तन भी बुलाए हुए अरे आज क्या को प्रोग्राम है रे इतने साल तो कदी रखायो कोनी आज क्या को रखायो है बता मंटा कोनी कल मने की ओ स्कूल में तो मेरो के काम है बेटा मैं स्कूल ना लेट आऊं तू आज जाई तो ठीक है ठीक है आज मैं काम कर लियो थोड़ा सा फिर आऊं ठीक आज जाई आज के टाइम स्कूल में की प्रोग्राम है कोई खान पीन वाला प्रोग्राम तो कोनी के मारे गांव में लगाता खान पीन वालों बड़े स्वाद होता हा हा केटा आज वही प्रोग्राम है तो स्वाद ही आ जाए तो आज अपना प्रोग्राम शुरू हो गया है और ये प्रोग्राम की पहली प्रस्तुति अपनी कुसुम कराएगी हाँ तो कुसुम तू जल्दी से स्टेज पर आ जा और अटावरन दो प्यारी प्यारी कहानी सुना जा जल्दी आया कुसुम ले आज तो पहली बार प्रोग्राम हुई और मन नहीं बुलाई है हाँ मैं बट जागे नहीं कहानी कैसी हूँ दूसरी कहानी सुना सी प्यारी सी तो सुना कुसुम एक और राजा रुक रुक कुसुम है तो अपना सारा मेहमान सब पहला मेहमान चूक ली जा गया तो जोर की ताली बजा के स्वागत कर दो राम राम जी राम राम सारा ने राम राम जोंगली जी राम राम तुम्हारी व्यस्त करो अल्टा अपने लाला पास बैठ जाओ हाँ तो कुसुम है तो अपनी दूसरी कहानी सुना एक और राजा एक ही रानी दोनों मर गया खत्म होगी कहानी वाह 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 कितनी मस्त कहानी सुनाई आपने कुसुम है तो अन छोटी सी प्यारी सी बच्ची बहुत मोटी मोटी बातें बोल दी और ये कहानी तने के शिक्षा मिली है बात नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो तो मेहमानों को आने को सिलसिलो बिल्कुल जारी है और अपना अगला मेहमान है ढोकल दादी तो दो तीन तारीफ जा गया स्वागत कर दो अरे बस बस ज्यादा नाम जाओ क्योंकि दादी फुंडतड़ी वापस उठ चली गुरुजी जी राम राम हाँ राम राम दादी बैठ जो आगी रे आगी दादी ढोकली रे हाँ। गुरुजी जी अब देख लिया जो चोगली में पंगा कर लाई रही है मेरे पर गीत गावा तो फिर क्या मैं तो गीत ही गाया है अरे चुप रह जो थे तो अंत ही शुरू हो गया गुरुजी जी शुरू क्या हो गया आज मन लगे गुरु ही शुरू ही क्या बोली ना बोलनी तू तो ना बोल ज्यादा गुरुजी जी मैं थाने नी एक नी सुनी सी कहानी सुनासियो गुरुजी जी मैं थाने नी सुनो सो गानो सुनासे मैं लिख ही लेई ए गानो लिखी जे थोड़ी गानो सुनाई करे पहले लिखी जे फिर सुनाए करे ओ हो ज्यादा रहन दे बिटाई ना मर बोली हां ते लड़ो ना बस तो अपना कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है हर्ष की तो हर्ष जल्दी से स्टेज पर आ जा अब चुप रह जे नी अब मेरे हर्षियो सुनो सो गानो गासी ओ हो ज्यादा बने आपको छोरो है जना अब मेरी कुसुम ही नु तकड़ो गासी ए बात गागी तेरी तो बेइज्जती हो गई रे गागी के और मैं लेट होगी फिर आज है चलो कोई नहीं दोबारा गवा दिया कुसुम ने गणाई चुटकला डायलॉग आवे अब एक ही गा एक गाई जे दूसरे दूसरे कौन गाई जे नहीं रहन दे बोए हर्षे को सुन ले कर ताने तो चुप रह छो जदी तो हर्ष सुना सी हां हां गुरुजी चुपिया हां सुना हर्ष बेटा सुना ओ हां तो हर्ष बेटा तू अपने के सुना सी गुरुजी मैं एक गीत सुना सु हां तो सारा हर्ष गीत सुनो चलो सुना हर्ष बेटा छोटा सा बच्चा कितो बढ़िया गाना सुनाया है फिर क्यों भूल गयो तो पर छोरा घोंसलो देखो स्टेज पर आने को शाबाश बेटा शाबाश चलो बैठ जाके हाँ तो थाने सारे गाड़ो क्या लागो मैं बार बार तो कौन बोलू चलो फिर भी बता ही दिया
बढ़िया गायो हर से फेर के भूल गया तो हां तो बढ़िया गायो तन क्यों तो हां तो इस प्रोग्राम में जितने जना बैठे हैं आप इच अनुसार कुछ भी गाना चाहे तो वो स्टेज पर आके गा सके। हां गुरु जी मैं ही सुनासी हूं। क्यों मैं भी गासी हूं। हां जंगली जी थे आ जाओ अपने पहले। हां गुरु जी मैं आऊंगा। तन बुलाइए पहले तू जा। हां जा जंगली जी आ जाओ। हेलो मैं बोले थे सा डंगू सुनया मैं थारी प्यारी जंगली एक थाने गाना सुनासी हूं तो डंगू सुनया बागा में झूलने गई रे फेर फेर के हिंडे की जेवड़ी टूटी जनो धड़ाम सी पड़ी की यानी तू बीच में ना बोल गुरुजी देखियो बीच में बोलने लाग रही है मैं दूसरो गाना सुनासी हूं। हां सुनाओ सुनाओ थे। हां चल कोई नहीं दूसरो गा दे तो बाबी वेलकम की कर लो तैयारी आगे हम बरात लेके ने हां चल जी सुना सुनो मैं कुवारो मिर्जी ओ खोवा तो चलो अपने बोलबड़ी सुनाओ चलो चलो मैं एक दूसरो सुना दूं। ना ना इसे लाऊ गणेश स्टेज पर चलो चलो नीचे चलो किया चुंगली कराली नहीं बेइज्जती स्टेज पर चढ़ गए बेइज्जती कहीं कराली तू बुला दियो बीच में बोली तू ओहो बोल ले बोलिया कोई भूले थोड़ी है अब देख ले तू झंडा गाड़ ले जाके। हां मैं देख ले मैं पूरी कहानी सुना छु तकड़ी सी। हां देख ले सुना दे। हां तो चुप हो जा चुप तो अपना कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति ढोकल दादी ले गया है तो ढोकल दादी तो स्टेज पर आ जाओ। हां आ जाओ दादी आ जाओ ले दादी माइक ओ है नहीं तो माइक है दादी ओ टावरा मस्त रहते मोटा उन थर वास्ते वो है अच्छा ओ चालू है के। हां दादी चालू है चालू दादी इनको थूक ना कर लो मैं चेक करूँ वो बजे के। हाँ बजे थे अपना कार्यक्रम स्टार्ट करो तो सारा ने मेरे ढोकली दादी तरफ राम राम है तो सारा जना एक कर थे नहीं जोर या ताड़ी सी और बजा दियो। हाँ यहाँ ताड़ी बजाई करे तो थाना मैं एक कहानी सुना सी हूँ तो दादी थोड़ा माइक नेड़े कर लियो अच्छा नेड़े कर लियो के। हाँ तो एक ही बूढ़ी ठीक है तो बिंग पड़ोस में रहती एक लुगाई बिंग वो एक छोरो देखो गुरुजी जी हम मेपरी कहवे कहानी और गुरुजी देख ले मैं पूरी कहानी कौन सुनान देनी। हां चुंगल जी ते चुप रह जाओ दादी ते सुनाओ अपने अब मैं दुआरू सुना से मैंने बुला दियो ने। हां सुनाओ सुनाओ दादी। एक ही बूढ़ी बिंग पड़ोस में रहती एक लुगाई और बिंग वो एक छोरो और बाज की लुगाई है बा लाल सो सूट पहरे राखती बा लाल सी चुन्नी ओढ़े राखती। गुरुजी जी मिनट का लियो देखो मेरे लाल ओढ़ रखी है लाल ही पहर रखी है अब तो मेपरी बोल ले गुरु जी अब देख लो बाब मैं इन पर थोड़ी कहूँ रुको रुको चुगली जी देखा मेरे स्टेज पर फिर बी लुगाई हो एक ही छोरो गुरु जी अब देख लियो बी एक ही छोरो किया दो भी हो सका आ मेरे पर ही कहे तो गुरु जी मैं इन पर कौन के ही नहीं आ तो रुको रुको चुगली जी दादी थे भी नाम बताओ अपना क्यों नाम के। हाँ नाम तो गुरु जी पूरे तो कौन बता सकूं भी यहाँ पहले अक्सर बता दूंगे। हाँ हाँ बताओ बताओ थे पहलो नाम हो बिंग चू प्रसाद ले जाओ